नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस हब यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अध्याय फर्स्ट, ट्वेल्थ क्लास का अध्याय फर्स्ट, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की, आज लेक्चर नंबर हमारा 5 है। सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी के डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम कि मृदा उर्वरकता और उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस तरह प्रभावित करते हैं। इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। देखो दोस्तों, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक वैसे पढ़ते तो सभी है, लेकिन इनकी जो हेडिंग्स है इनके अंदर जो डिटेल लिखनी होती है वो कई लोग है जो रटते हैं। सिर्फ सिंपली तरीका है कि इनके बारे में अंदर यानी थ्योरी क्या क्या लिखनी है वो बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं हम मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले कारक है जो प्राकृतिक कारक। ऐसे कौन कौन से प्राकृतिक कारक है जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक पेत्रक पदार्थ। इन सभी में हमें थ्योरी में सिर्फ दो ही पॉइंट लिखने हैं, एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट। वो क्या हो जाएगा? पेत्रक पदार्थ। जैसे पेत्रक पदार्थ है वो किस तरह मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने हैं। दोस्तों इसकी थ्योरी को रटना छोड़ दो। इसमें क्या होगा, जैसे पेत्रक पदार्थ है ऐसी चट्टाने जो अम्लीय है या आग्नेय चट्टान है, तो उनसे जो मृदा बनेगी वो बिहेव में कैसी होगी? अम्लीय मृदा है। और ऐसी चट्टान है जो क्षारीय है या औषधि चट्टान है, उनसे जो मृदा बनेगी वो बनेगी क्षारीय मृदा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नेगेटिव पॉइंट कौन सा हो गया? अम्लीय मृदा। और पॉजिटिव पॉइंट कौन सा हो गया? सारे मर्दा। दोनों तरफ इसकी थ्योरी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थलाकृति के बारे में, यानी टोपोग्राफी। मृदा उर्वरकता को स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है, तो क्या होगा दोस्तों, इसकी थ्योरी में हमें इस चीज को लिखना है कि ऐसी मृदाएं जो ढालुनुमा है या उनकी ढाल अधिक है वो मृदाएं हमें खेती के लिए दे दी जाए। तो ऐसी मृदाओं की मृदा उर्वरकता कम होगी। दूसरी तरफ हमें समतल मृदा दे दी जाए तो उन मृदाओं की मृदा उर्वरकता अधिक होगी। दोस्तों ढालुनुमा भूमि है, जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, माना हमारे पास ऐसी ढालुनुमा भूमि है, ऊपर के छोर पे हम बात करें तो पोषक तत्व कम रहेंगे बजाय नीचे के छोर के। नीचे वाले स्थानों पर पोषक तत्व अधिक होंगे। हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले क्षेत्रों की बजाय नीचे वाले क्षेत्रों की मृदा की उर्वरकता अधिक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बस दोस्तों इसमें यही थ्योरी लिखनी है। इसमें किताब आपकी बुक में है जो बहुत सी थ्योरी दे रखी है जिसे आप आसानी से नहीं रट सकते। आपको इनकी थ्योरी बनाने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम मृदा की आयु के बारे में। दोस्तों ऐसी मृदाएं जो नव निर्मित हो, जिनका निर्माण पिछले कुछ ही वर्षों में हुआ हो, तो ऐसी मृदाएं क्या होगी? अच्छी उर्वरकता वाली होगी। क्यों? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं जो पौधे के लिए अति आवश्यक होते हैं। दोस्तों बात करें हम मृदा की आयु के बारे में, तो जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती है वैसे वैसे मृदा उर्वरकता घटती है, बस यही इसकी थ्योरी है। नेक्स्ट बात करें हम जलवायु की, जल और वायु। दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो उस अधिक वर्षा के कारण
जो पानी इकट्ठा होता है उसमें पोषक तत्वों का अपक्षालन नीचे वाले संस्तरों में हो जाता है, जैसे कि हमारे मुख्य ऊपरी पृष्ठ पर जो संस्तर होता है उसकी उर्वरता कम हो जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की कमी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में एक सबसे ऊपरी परत पर लवणता की परत जम जाती है, जो भी फसलों के लिए नुकसानदायक है या उनकी मृदा उर्वरता कम होती है। बस यही लिखना है जलवायु की थ्योरी में। नेक्स्ट बात करें हम मृदा प्रोफाइल की गहराई। दोस्तों मृदा प्रोफाइल की गहराई जितनी अधिक होगी मृदा की उर्वरता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जब मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होती है तो पादप की जड़े या फसल की जड़े अधिक गहराई तक जाके जल का अवशोषण एवं पोषक तत्वों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। इस कारण मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होने पर मृदा की उर्वरता भी अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें हम मृदा की बौद्धिक स्थिति। दोस्तों इस पॉइंट में आपको थ्योरी लिखने के लिए भौतिक दशा के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि मृदा की भौतिक दिशा में क्या क्या आता है, जैसे मृदा कणाकार, मृदा घनत्व, कण घनत्व जो भी है वो आ जाएगा इस भौतिक दशा में। एक तरफ हमें दे दी जाए बलुई मृदा जिसके कणों का आकार अधिक होता है, दूसरी तरफ हमें दे दी जाए सिल्ट या कल्ले मृदा जिनमें कणों का आधा आकार छोटा होता है। तो बलुई मृदा अर्थात बड़े बड़े कणों वाली मृदा में मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए ऐसी मृदाएं क्या हो जाएगी कम उर्वरता वाली होती हैं। नेक्स्ट बात करें हम क्ले या सिल्ट मृदा के बारे में जिनके कणों का आकार छोटा होता है जिसके कारण उनकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, इस कारण मृदा क्ले या सिल्ट मृदाएं अच्छी उर्वरक वाली होती है। ये हो गया दोस्तों आपके भौतिक दशा के बारे में। दोस्तों आपको मृदा अपरदन की थ्योरी लिखनी है, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि मृदा उर्वरकता को मृदा अपरदन कैसे प्रभावित करता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर मृदा में अपरदन अधिक होता है तो उन क्षेत्रों में मृदा की उर्वरकता कम होती है, क्योंकि अपरदन कहते किसे हैं, पोषक तत्व को हटाना, पोषक तत्व को अपने स्थानों से हटाकर नीचे वाले या अन्यत्र छोड़ देना क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो सीधी सा इसकी थ्योरी हो जाएगी कि जिन मर्दों में अपरदन अधिक होगा उन मर्दों की मृदा उर्वरकता हमेशा कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम आठ नंबर, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। दोस्तों सीधी सी बात है कि मृदा उर्वरकता में उपस्थित पोषक तत्व किस तरह प्रभावित करेंगे, तो इसमें लिखने के लिए आपको बस सिंपल ही तरीका है कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा यदि कम रहती है तो वो फसलों के लिए हानिकारक है, उसमें फसल अपनी अच्छी वृद्धि नहीं कर सकता है कर सकती है। तो क्या हो जाएगा कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्व कम मात्रा में रहने पर मृदा उर्वरकता कम रहेगी। नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम कृत्रिम कारक के बारे में, यानी ऐसे कौन से कारक है जो कृत्रिम कारक है जो मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला हो गया जलाक्रांति। दोस्तों ऐसी मृदाएं जिनमें अधिक जल भरा हुआ हो या उनमें जल निकास की कोई सुविधा ना हो तो ऐसी मृदाओं को क्या कहते हैं, जलाक्रांति मृदाएं। तो जलाक्रांति मृदा में क्या होगा, उनमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी जिससे कि सूक्ष्म जीव जैसे एक्टिनो शैवाल और अन्य जीवाणु ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने जैविक क्रियाएं सही ढंग से नहीं कर सकते, तो ऐसी मृदाएं मृदा की मृदा उर्वरकता कम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फसल प्रणाली के बारे में, क्रॉपिंग सिस्टम। दोस्तों क्रॉपिंग सिस्टम किस तरह प्रभावित करता है, हम
इसके बारे में हमें थ्योरी बस यही लिखनी है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम बार बार एक ही फसल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बार बार ज्वार की बुआई की जाती है, तो ज्वार क्या करती है, आने वाली नेक्स्ट फसलों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि वो अपने जीवन काल में बहुत अधिक पोषक तत्व ग्रहण करती है। इसके अलावा उसकी जड़ों द्वारा विषैले पदार्थ भी छोड़े जाते हैं जो आने वाली फसलों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए फसल प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए और उसमें क्रॉप रोटेशन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मृदा पीएच के बारे में। मृदा पीएच दोस्तों, जब मृदा का पीएच 7 से कम होगा तो मृदा अम्लीय होगी, जब मृदा का पीएच 7 से अधिक होगा तो मृदा क्षारीय होगी। अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। इसके विपरीत अम्लीय मृदाओं में फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज तथा कॉपर की अधिकता पाई जाती है। कॉपर अधिक होने के कारण फसलों को हानि पहुंचाता है। दूसरी तरफ हम बात करें ऐसी मृदा जो क्षारीय है, क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अधिक होता है, इसलिए इसमें फेरस, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आवश्यकता से अधिक होने पर फसलों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं जो मृदा उर्वरता की कमी को दर्शाते हैं। इसलिए मृदा न ज्यादा अम्लीय और न ज्यादा क्षारीय प्रकृति की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा में सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं शैवाल, एक्टिनोमाइसिटीज और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले अन्य बैक्टीरिया अधिक होंगे तो मृदा की उर्वरता भी अधिक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा की जुताई की विधि एवं समय। दोस्तों इसमें थ्योरी लिखने के लिए आपको मृदा की जुताई की विधि कैसे, जैसे हम किसी भी फील्ड में बार बार एक ही समान गहराई तक जुताई करते हैं तो वहां पर नीचे की ओर कड़ी परत जम जाती है जो क्या कार्य करती है कि मृदा में जल को नीचे के संस्रोत तक बढ़ने से रोकती है, मृदा की संरचना को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं समय के बारे में, यानी ऐसी मृदा जिनमें निश्चित समय अंतराल से जुताई होती है तो वो मृदा अधिक उर्वरता वाली होती है। दूसरी तरफ आपको दे दी जाए ऐसी मृदा जिनमें अधिक समय छोड़ने के बाद उसमें जुताई की जाती है तो ऐसी मृदाएं कम उर्वरता वाली होती है। ये हो गई दोस्तों आपके मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, इनकी थ्योरी 2 पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव सभी के। नेक्स्ट बात करते हैं हम मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक है जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है मृदा, यह है मृदा उर्वरता और यह है मृदा उत्पादकता, इसके बारे में मैं डिफरेंस है जो कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता को कैसे प्रभावित करती है। ऐसी मृदा है जिनकी उर्वरता अच्छी है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन उपज अच्छी प्राप्त हो रही है तो उस मृदा की उत्पादकता बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रति हेक्टेयर मूल्य भी अधिक प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा, सेम वही है जो हमने उर्वरता में पढ़ा था। भौतिक दशा यानी मृदा की वायु संचार कैसा है, मृदा में जल धारण क्षमता कैसी है, मृदा के कणों का आकार कैसा है। ऐसी मृदा जिनों में मृदा के कणों का आकार छोटा होता है जैसे सिल्ट या कले है तो उनमें जल धारण क्षमता भी अच्छी रहेगी और मृदा उर्वरता भी अच्छी रहेगी। मृदा उर्वरता अच्छी रहने से फसल की उपज भी अच्छी प्राप्त होगी और जिस फसल की उपज अच्छी प्राप्त होने से बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि मृदा उत्पादकता भी
अच्छी बनी रहेगी या मृदा उत्पादकता भी अधिक होगी। मृदा की स्थिति, ऐसी मृदा है जो बाजार के समीप है, तो बाजार के समीप होने से मृदा उत्पादकता कैसे बढ़ी? देखो इस पॉइंट को आप समझ गए तो मृदा उत्पादकता और मृदा पूरकता दोनों में डिफरेंस भी साफ हो जाएगा। यदि आपको अभी तक मृदा उर्वरता और उत्पादकता में डिफरेंस समझ नहीं आया है तो ध्यान से सुनना। मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति ऐसी मृदा है जो बाजार के समीप है, तो उस मृदाओं की उत्पादकता भी अधिक होगी। क्यों होगी अधिक? क्योंकि बाजार के समीप स्थित जो मृदा है उनमें यातायात परिवहन के साधनों में भी कम खर्च होगा। कम खर्च होगा तो हमारे को नेट बेनिफिट है वो अधिक मिलेगा। मूल्य जो हमारा यानी जो हमें पैसों का जो बेनिफिट है वो अधिक मिलेगा। दूसरी तरफ हम बात करें मृदा की स्थिति बाजार से दूर है तो उनमें परिवहन यातायात भी अधिक होंगे और खर्च भी अधिक होगा, हमारा बेनिफिट गिरता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्पाद की मांग। किसी भी वस्तु फसल के अलावा भी अन्य प्रोडक्ट जिनमें जिनकी मांग बाजार में अधिक होती है, जिनकी मांग बाजार में अधिक होती है तो उसका मूल्य भी अधिक होता है। उसी प्रकार उत्पाद की मांग, यदि कोई फसल का अच्छा उत्पाद है उसकी मांग अधिक है तो मूल्य में क्या होगा? मूल्य में वृद्धि होगी जिससे मृदा उत्पादकता बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यातायात के साधन। ऐसे स्थान जहां पर यातायात के साधनों की अच्छी उचित सुविधा है तो उन क्षेत्रों में क्या होगा? यानी यातायात के साधन अच्छे हैं तो मृदा उत्पादकता भी अच्छी होगी, क्योंकि यातायात के साधन और परिवहन में जो मेन कॉस्ट है हमारा खर्च है वो कम लगेगा और प्रति एकड़ उपज के मूल्य में वृद्धि होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हो गया आपके मृदा उर्वरता और उत्पादकता का टॉपिक कंप्लीट। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंस पढ़ा, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े। हम नेक्स्ट बात करेंगे मृदा क्षरण एवं संरक्षण, सोइल इरिजन एंड कंजर्वेशन। सोइल मृदा क्षरण के तरीके इसकी डेफिनेशन, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। दोस्तों यानी अधिक डाल या हल्के कण जो वायु या जल द्वारा अपने स्थान से नीचे वाले स्थानों या अन्य स्थानों पर चले जाते हैं तो उसे क्या कह देंगे? मृदा क्षरण, मृदा में हानि। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल कंजर्वेशन, मृदा क्षरण के विपरीत मृदा संरक्षण यानी मृदा बचाओ। मृदा को भौतिक क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने को मृदा क्षरण कहते हैं। जो ही मृदा क्षरण हुआ है उस मृदा को क्षरण होने से रोकने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मृदा संरक्षण अर्थात मृदा का बचाव। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा क्षरण के कौन कौन से प्रकार है। मृदा क्षरण दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया त्वरित। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जो कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।